नमस्कार दोस्तों, सारनपुर जी सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने इतिहास की वही अपनी जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है मध्यकालीन भारत की, उसमें नेक्स्ट क्लास लेकर आज आपके सामने आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश को इससे पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तुगलक वंश के बाद आज हमारा जो चैप्टर है वो है सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के बाद सिर्फ एक वंश और बचेगा जो है हमारा लोधी वंश, उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे सैयद वंश के बारे में, और क्योंकि सैयद वंश छोटा सा वंश है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, छोटी सी वीडियो बनेगी और सैयद वंश हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सैयद वंश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार तैमूरलंग कहाँ का मध्य एशिया का निवासी था, उसने खिजर खान की सहायता से भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि तैमूरलंग जो है वो समरकंद का निवासी था, कि समरकंद वर्तमान में किस देश में स्थित है, ठीक है, कि समरकंद जहां का कौन निवासी था, तैमूर जहां का निवासी था। समरकंद मैंने हिंट दिया था कि मध्य एशिया में है, कि मध्य एशिया के पांच छह देश हैं, उनमें से कौन से देश में स्थित है। तो इसका उत्तर है समरकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है, ठीक है, उज्बेकिस्तान। अब मैप पे सर्च करना कि उज्बेकिस्तान कहां पर है, ठीक है, वहां पे समरकंद स्थित है। तो अब हम अपनी क्लास में मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए आज सैयद वंश को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। देखो, सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला था, लगभग एक अप्रोक्स 37 ईयर्स के करीब इनका शासनकाल रहा है, ठीक है। देखो, आपको पता ही है कि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, उसकी मृत्यु 1412 में हो गई थी, ठीक है। ये सारी चीज मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जैसे 1412 में इसकी मृत्यु होती है तो 2 साल की अव्यवस्था का फायदा उठा करके खिजर खान शासक बन जाता है। तो हम यहीं से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो, खिजर खान 1414 से 1421 तक लगभग 6-7 साल के करीब ये शासक रहता है, ठीक है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ये सैयद वंश का संस्थापक था, इससे इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसने सैयद वंश को स्टार्ट किया था, ठीक है। तैमूर की भारत आक्रमण में मदद की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे पिछली क्लास में बता चुका हूं कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसमें इसने इसकी सहायता करी थी, किसकी, तैमूरलंग की, किसने, खिजर खान ने, ठीक है। तो तैमूर ने जाते समय पंजाब के मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का इसे सूबेदार बनाया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसे अपना भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त किया था, इसके अलावा इसे पंजाब के कुछ एरिया दिए थे, कहा था कि मैंने इसको अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो वो ये थे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। मुल्तान भी आपको पता है, लाहौर पंजाब में है, कौन से पंजाब, पाकिस्तान के, और मुल्तान भी, और दीपालपुर वर्तमान के पंजाब में जो भारत के अंतर्गत आता है वहां पे है। आपको दीपालपुर से याद आ रहा होगा कि गयासुद्दीन तुगलक भी शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, दीपालपुर का, ठीक है, सूबेदार बनाया था यहाँ पे, होगी क्लियर। 1414 में जैसे ही तुगलक वंश के अंतिम शासक की मृत्यु होती है, ये खुल के सामने आता है, 1412 में मृत्यु होती है, 2 साल बाद खुल के सामने आता है, सैयद वंश की स्थापना करता है, ठीक है। देखो, मेन फैक्ट इसमें यह है कि इसने एक संप्रभु संपन्न सुल्तान के रूप में शासन नहीं किया था, यहाँ पे वर्ड आता है संप्रभुता संपन्न, यानी कि इसने संप्रभुता संपन्न सुल्तान के रूप में शासन नहीं किया। तो हम समझ लेते हैं संप्रभुता संपन्न क्या है। संप्रभुता संपन्न का मतलब ही यही होता है कि जो किसी भी बाहरी इंटरफेयर से फ्री हो, ठीक है, मतलब इसे अपने काम करने के लिए बाहरी इंटरफेयर की जरूरत ना, मतलब कंप्लीटली रूप से इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, मतलब किसी के अंडर में ना हो, उसे बोलते हैं संप्रभुता संपन्न। तो इसने संप्रभुता संपन्न सुल्तान के रूप में तो शासन किया नहीं था, बल्कि तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन का दिखावा किया। देखो, जो तैमूर था उसकी हो चुकी थी मृत्यु इतने समय में, उसके बाद उसका लड़का था शाहरुख, तैमूर, वही तैमूर जिसकी इसने आक्रमण, भारत आक्रमण में सहायता करी थी। तो इसने क्या किया है कि एक खुला, मतलब कि इंडिपेंडेंट सुल्तान के रूप में शासन नहीं किया, बल्कि जब, क्योंकि तैमूर के बाद उसका पुत्र आया शाहरुख, उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा किया कि हाँ, मैं दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का शासक तो बन गया हूँ, लेकिन मैं कोई, मतलब, स्वतंत्र शासक नहीं हूँ भाई, मैं तो आपके पहले आपके पिता की हेल्प से ही, मैं तो इतना, मतलब इसने अपने दिमाग से बुद्धि का परिचय देते हुए क्या किया कि भाई शाहरुख को बोला कि पहले तो मैं आपके पिता के
मैं तो पहले आपके पिता के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था, क्योंकि आपके पिताजी ने ही मुझे ये सारी सत्ता सौंपी है, इतना पावरफुल मुझे बनाया है, मेरी कहाँ इतनी वैल्यू या औकात कि मैं एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम कर लूँ। कि पहले मैं आपके पिता के प्रतिनिधि था, अब मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, शासन भले ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, असली शासक तो आप ही हो। इस तरह की इसने मिट्टी गोली किसे दी? शाहरुख को दी, ठीक है, दिखावा किया। ये नहीं है कि उसी का प्रतिनिधि बना, यहाँ पे ये भी लाइन लिखी है कि दिखावा के, दिखाया कि भाई मैं कोई इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, ताकि ये शाहरुख की नज़रों में खटके ना, तैमूर की पुत्र की नज़रों में ये खटके ना, ठीक है, समझ गए, इस तरह का दिखावा किया इसने। और दूसरा, जो दिल्ली के लोग थे या दिल्ली सल्तनत के और भी राजा थे जो इसके अंडर में थे, वो बगावत ना कर दें, ठीक है, कि ये तो अपने आप को शासक बन गया, इसने दिखाया नहीं नहीं भाई मैं इंडिपेंडेंट शासक नहीं हूँ, तैमूर ने उसको हराया था, ठीक है, तुगलक वंश के अंतिम शासक को, मैं तो उसी के प्रतिनिधि के रूप में हूँ, आज ही अब उसके पुत्र के प्रतिनिधि के रूप में हूँ, क्लियर है ये बात। तो इसने यहाँ पे ऐसे ड्रामा कराए, ठीक है, यही कारण है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि जब स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर ही नहीं रहा है, दिखावा कर रहा है, तो इसने सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली। इसके बदले इसने क्या उपाधि ली? रैयत आला की उपाधि, साथ शासन किया। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रैयत आला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रैयत आला की उपाधि के साथ किस शासक ने शासन किया, या रैयत आला की उपाधि किसने ली थी सैयद वंश में, किसने ली थी? खिजर खान ने ली थी, क्लियर। इसके सिक्कों पर तुगलक सुल्तान शब्द अंकित है, ठीक है, मतलब इसने जितने भी सिक्के छपवाए थे उन पर तुगलक सुल्तान लिखा हुआ था, क्यों लिखा हुआ था उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस फैक्ट है, याद करना है कि खिजर खान के सिक्कों पर किसका नाम अंकित है? तुगलक सुल्तान के, ठीक है। मैं आपको बताता ही चलाऊँ, किसी भी शासक में या किसी भी वंश में कोई नया सिक्का आया, कोई नई चीज़ आई है, तो उसे मैं मेंशन करके चल रहा हूँ अभी तक, ठीक है। अब आता है, फरिश्ता एक इतिहासकार था, मतलब इसी के समय में रहता था वहीं पे, फरिश्ता ने एक पुस्तक लिखी थी तारीख़ फरिश्ता, ठीक है। इसके अनुसार इसकी मृत्यु पर दिल्ली के नागरिकों ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था, यानी कि मृत्यु कब हुई थी इसकी? 1421 में। जैसे ही 1421 में इसकी मृत्यु होती है, तो दिल्ली के जो लोग थे उन्होंने काले कपड़े पहन के, मतलब दुख दिखाते हैं ना, तो काले कपड़े पहन लेते हैं, जैसे हम हिंदुओं में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, मृत्यु पे किसी की, तो इन इस काले कपड़े मतलब एक सिंबल भी होता है विरोध का, जैसे आज लोग करते, काले कपड़े पहन के इन्होंने उस टाइम में विरोध की, मतलब दुख प्रकट किया था कि हमारा सुल्तान मर गया है। ये चीज़ पता कहाँ से तक चली है? फरिश्ता की पुस्तक थी, उसने किताब लिखी थी एक तारीख़ फरिश्ता की, क्लियर। कब? 1421 में, जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु पे दिल्ली के लोगों ने, तो क्वेश्चन कई बार ये आया है कि दिल्ली के लोगों ने काले वस्त्र पहनकर किस सुल्तान की मृत्यु पे शोक प्रकट किया था, किसकी पे किया था? खिजर खान की, ठीक है। इसमें ये चार फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ऐसे में 10 फैक्ट लिखवा देता या आपको समझाता, उससे कोई फायदा नहीं था, ठीक है ना, तो 10 फैक्ट आपके काम आने थे। ये चार मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मैं उठा के लाया हूँ कि ये समझ लेना, 95% क्वेश्चन इन्हीं चार फैक्ट से मिलके बनते हैं खिजर खान से संबंधित। तो ये चार के चार फैक्ट आपके बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके दूसरे सुल्तान की, भाई इसकी तो मृत्यु हो गई है, इसके बाद आया मुबारक शाह 1421 से 1434 तक, ठीक है। इसके बारे में भी सिर्फ चार ही फैक्ट हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शाह उपाधि के साथ इसने शासन किया था। शाह उपाधि, देखो यहाँ पे खिजर खान है, इसके बाद जितने भी सुल्तान आएंगे ना सैयद वंश के, उनके सबके नाम के आगे शाह लिखा मिलेगा, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, तो यहाँ इसके यहीं से काम शुरू हुआ था शाह नाम लगाना। इसने क्या किया? शाह की उपाधि के साथ शासन किया, क्लियर, पहला सिंपल सी बात है। दूसरा, इसने मुबारकाबाद नाम का नया नगर बसाया था अपने नाम से, इसका नाम क्या था? मुबारक शाह, तो इसने अपने ही नाम से मुबारकाबाद नाम का एक नया शहर बसाया। इसे भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुबारक शाह से क्या नाम आता है? मुबारकाबाद। ये फैक्ट क्लियर है आपके, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है तीसरे नंबर पे, इसका एक दरबारी संरक्षक विद्वान था, मतलब एक ऐसा विद्वान जिसे इसने अपना दरबारी बना के संरक्षण दे रखा था। मतलब आपने देखा ये सुल्तान लोग क्या करते थे, जो ज्ञानी लोग होते थे, विद्वान होते थे किसी भी क्षेत्र के, उन्हें अपना दरबारी बना देते। दरबारी बनाने से एक तो उन्हें एक फिक्स सैलरी मिल जाती थी, रहने को घर मिल जाता था, और शासन इस तरह से सुल्तान इन्हें घर दे के, सैलरी दे के, अपना दरबारी बना के इन्हें मतलब संरक्षण दे देता था। संरक्षण का मतलब क्या, जब इनको रहने को घर मिल जाएगा, इनके परिवार को, और खाने पीने को, जीवन चलाने के लिए पैसे मिलने लगेंगे, सैलरी मिलने लगेगी, तो लाइफ तो सिक्योर हो जाएगी ना। जिस तरह आप और हम, जैसे आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हो?
गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाए, संरक्षित हो जाए, ठीक है। इसी तरह तो ये विद्वान लोगों का साथ रखने का फायदा सबको ही होता है। तो ये जो सुल्तान होते थे, विद्वान लोग होते थे, उन्हें अपना दरबारी संरक्षक बना लेते थे, ठीक है। तो इसका भी कोई दरबारी संरक्षक था, उसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे, इसने भी एक पुस्तक लिखी थी, तारीख़ मुबारक शाही। देखो यहाँ पे तारीख़ फरिश्ता, इसने तो अपने नाम से पुस्तक लिख दी थी। इसने क्या किया है, तारीख़ मुबारक शाही, मुबारक शाह के नाम से पुस्तक लिखी, तारीख़ मुबारक शाही, जो सैयद काल का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमें सैयद वंश की जो जानकारी मिल रही है ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमें कहाँ से मिली है, तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक से। किसने लिखी है, वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। कौन था वो, दरबारी संरक्षक विद्वान था, किसका, मुबारक शाह का। इसमें से देखो किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सैयद वंश का एकमात्र साहित्यिक स्रोत क्या है, तारीख मुबारक शाही। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सैयद वंश की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तारीख मुबारक शाही से। दो, तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के। तीन क्वेश्चन। फिर चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार, किसका दरबारी था, मुबारक शाह का। चार तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं अकेले से, और बने हैं कई बार, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आता है, इसका वजीर था एक सरवर उल मुल्क, ने इसकी हत्या कर दी थी। कब की थी इसकी हत्या, 1434 में। तो भाई छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, छोटी सी वीडियो है, पर ये समझ लो सैयद वंश का 95% के करीब क्वेश्चन यहीं से बनता है। कि अगर एक क्वेश्चन भी बना तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, 95% की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। 100% की गारंटी कोई नहीं लेता है, अगर कोई पढ़ा रहा है 100% की गारंटी बोल के तो समझ लेना वो आपका बेवकूफ बना रहा है। दुनिया में 100% चीज़ कुछ नहीं है, हम थोड़े ना क्वेश्चन बना रहे हैं बैठ के, पर हम अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मेहनत से, और पिछले सालों से जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके बिहाफ पे एक टीचर क्या लगाता है, अंदाज़ा लगाता है, ठीक है। कि वो अंदाजा यही है कि 95% फैक्ट से हो जाएगा, इनमें भी तुम स्किप करोगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगा, ठीक है। तो इनमें तो एक एक वर्ड जैसे कि जैसा लिखा हुआ आपके रटा हुआ होना चाहिए। एक बार और इसका रिवीजन करा देता हूँ। इसने साउपाध्य के साथ शासन किया, वो आपको दिखेगा इसके बाद, सारे इससे शुरू हो जाएगा, सारे राजाओं के नाम के आगे क्या मिलेगा, शाह लिखा हुआ। अपने ही नाम से इसने क्या किया, मुबारक नाम का एक नया नगर बसाया, क्लियर। इसका दरबारी संरक्षक विद्वान कौन था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिसकी पुस्तक का क्या नाम था, तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है। किसके नाम पे बनाई थी इसने पुस्तक, ये एकमात्र साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। क्या है वो स्रोत, तारीख़ मुबारक शाही। किसने लिखे, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। किसका दरबारी संरक्षक था, वो मुबारक शाह का। लास्ट, इसके वजीर सरर उल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी थी 1434 में, इसकी, मुबारक शाह की, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मुझे आई होप। अब इससे बाद आपको क्या देखना है, नॉर्मल इसके बाद कौन सा शासक आता है, मोहम्मद शाह। ये रहता है 1434 से 1445, सिर्फ इसका टाइम याद रख लेना और नाम याद रख लेना, बाकी इसके इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक सीरीज में पढ़ना जरूरी है कि इसके बाद कौन आया शासक, ठीक है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट शासक आता है अलाउद्दीन आलम शाह। देखो कितने हो गए हमारे शासक, ये पहला शासक, दूसरा शासक, ठीक है, तीसरा शासक और चौथा, चौथा और अंतिम शासक। तो अगर चीज ये आए कि कितने शासक है इसके अंतर्गत, तो कुल चार शासक है, ठीक है। एक बार मैं एक चीज और बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो चौथा हमारा इंपॉर्टेंट है वो कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह। कब से कब तक रहा, देखो 1434 से 1445 तक ये रहा, 1445 से 1551 तक ये रहा, और सैयद वंश भी कब तक है, 1414 से 1551 तक। अपने आप ही समझ में आ रहा है कि लास्ट शासक है, ठीक है। अब देखते हैं इसका भी क्या फैक्ट है, पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट, तीन फैक्ट, ठीक है, सिर्फ तीन फैक्ट याद रखने हैं इसमें। देखो जैसे ही अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है, इसने अपने वजीर, इसका वजीर था हमीद खान, से संघर्ष होने के कारण दिल्ली छोड़कर बुदायूं से शासन किया। एक तरह से मैं यहाँ पे देखो पहले समझ लो, ये शासक बना कौन, अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 में शासक बना, 51 तक शासक रहा, अंतिम शासक है कहाँ का, सैयद वंश का। पहला क्वेश्चन तो इससे ये बन सकता है कि सैयद वंश का पहला शासक कौन है, खिजर खान, अंतिम शासक कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह,
ठीक है, कि पहले शासक का कब तक रहा, 1414 से स्टार्ट होता है या 21 याद कर लेना है, ठीक है। इसमें लास्ट वाला तो याद रहेगा कि 1451 तक तो शासन ही चला था, 1445 से 51 तक, क्लियर। इसमें देखो अब मेन चीज क्या आती है, जैसे ही शासक बन गया है, इसका वजीर था, वजीर बता ही चुका हूं मैं, शासक किसके, सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद या सबसे पावरफुल कौन होता था, वजीर, मतलब सेकेंड नंबर का। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, मुबारक शाह का भी वजीर जो था सरवरुल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी थी, यानी कि यहाँ पे वजीर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। वजीरों का जैसे राजा यहाँ पे होता है तो वजीर यहाँ पे होता है, क्या हो रहा है कि वजीर धीरे धीरे इसके लेवल पे आते जा रहे हैं कि जो राजा तक की हत्या कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। इसका वजीर था हमीद खान, जैसे मुबारक शाह का वजीर कौन था, सरवरुल मुल्क, इसका अपने वजीर से किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो ये था डरपोक, बहुत डरपोक किस्म का, ठीक है। ये क्या करता है, ये डर जाता है कि दिल्ली छोड़ के बदायूं चला जाता है, बदायूं शहर है, जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, दिल्ली से दूर बदायूं चला जाता है और वहीं से क्या करता है, शासन करता है। ये क्यों डर जाता है, इसने देखा था कि अभी मेरे से पहले भी जो राजा था उसकी हत्या उसके वजीर ने कर दी थी, इसको डर हो गया कि कहीं मेरा वजीर हमीद खान भी मेरी मृत्यु ना, सॉरी मेरी हत्या ना कर दे, समझ गए, इसलिए डर के काम आ जाता है बदायूं। इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, डरपोक शासक। भाई राजा को डरपोक नहीं होना चाहिए, जब राजा ही डरपोक होगा तो कहाँ काम चल रहा है। अब तुम खुद देख लो, जब ये इतना डरपोक है तभी तो शायद अंतिम शासक बन रहा, किसी और ने कब्जा कर लिया होगा, अब देखते हैं एक-एक करके, ठीक है। फिर 1450 आया, इसके शासन समाप्त होने से एक साल पहले की बात है, 1450 में एक बहलोल लोदी नाम का एक आदमी था, इसने हमीद खान, कौन हमीद खान, इसका वजीर की हत्या करके इसे दिल्ली बुलाया, मतलब कि ये अपना बदायूं से शासन देख ही रहा था दिल्ली से दूर। तो एक बहलोल लोदी नाम का एक बहुत अच्छा खासा व्यक्ति था, मतलब पावरफुल था, अच्छा खासा निडर व्यक्ति था, इसने क्या किया, इसके वजीर हमीद खान की हत्या कर दी, जिससे संघर्ष के कारण डर के ही बदायूं गया था, उसकी हत्या कर दी। और फिर इसने हत्या करने के बाद अपने राजा को बुलाया, कहा कि भाई आ जाओ, मैंने जिसके डर की वजह से आप दिल्ली छोड़कर बदायूं डर के गए हो, मैंने उसकी हत्या कर दी, अब आप दिल्ली आ जाओ, इन्वाइट किया कि अपना यहीं से आके शासन संभालो, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन क्या हुआ, फिर वही चीज, डर के कारण स्वयं ही बहलोल लोदी को इसने सत्ता सौंप दी। मतलब 1450 आ चुका था, 1450 के एंड में सारी घटनाएं हो रही है, मान लो नवंबर दिसंबर के करीब में हो रही थी, इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो करते करते 1451 आ चुका था, तो इसने क्या कहा, जब उसने इन्वाइट किया, इसने डर के मारे से लगा, अरे भाई यहाँ पे मैं बदायूं में तो सेफ हूँ, अरे कहीं इसने तो मेरे जिस वजीर से डर के मैं भाग के आया था, ये आदमी, इसने आदमी ने तो मेरे वजीर को ही मार दिया है, ये तो उससे भी खतरनाक है, और ये मुझे दिल्ली बुला रहा है, कहीं मुझे धोखे से मार ना दे, क्योंकि इतिहास भरा पड़ा है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था ऐसे ही, ठीक है। तो ये डर गया, इसने सोचा कि जिस वजीर से डर के मैं बदायूं भाग के आया था, ये तो उसको भी मार चुका और मुझे दिल्ली बुला रहा है, कहीं ये मुझे दिल्ली में बुला के मार के सत्ता ना हथिया ले, किसको शायद राजा बनना है, तो इसे क्या कहता, भाई मैं नहीं आता दिल्ली विल्ली, मैं तो यहीं पड़ा हूँ, तुझे राजा बनना है तू बन जा, मतलब खुद ही दे दी सत्ता, जहाँ लोग युद्ध करते थे सत्ता के लिए, अपना उत्तराधिकार पाने के, अपने भाइयों को मार रहे हैं, अपने चाचा को मार रहे हैं, अपने पिता तक को मार रहे हैं, इसने खुद ही सत्ता दे दी। तो इसलिए मैंने क्या नाम रखा है इसका, डरपोक शासक, ठीक है, यानी कि डरपोक राजा, ठीक है, खुद ही सत्ता दे दी, मतलब 1451 में। तो इसलिए 1451 तक इनका शासन रहा, 1451 में फिर क्या आ गया, बहलोल लोदी ने स्थापना करी थी लोदी वंश की, उस पर चलेंगे अभी। देखो 1456 में होती है इसकी मृत्यु, ये गया मर, ठीक है, 1456 में मृत्यु भले ही होती है, वो तो मर रहा है, मरने की बात देख रहे हैं, पर 1451 में इसने बहलोल लोदी को सत्ता अपने दे दी। तो यहाँ पे सैयद वंश खत्म हो जाता है, क्योंकि बहलोल लोदी ने हाथ में सत्ता आ गई, इसने खुद ही दे दी, ठीक है। बस एक कोटा, ये छोटी सी एक चीज है जो मैंने लिखी है, सैयदों का शासन दिल्ली से प्रारंभ होकर बदायूं में समाप्त हो गया। भाई खिजर खान ने दिल्ली का संस्थापक बना था, मतलब दिल्ली में सैयद वंश का संस्थापक बना, और ये बदायूं से कर रहा था, तो बदायूं में जाकर इनका शासन समाप्त हो गया लगभग लगभग 37 साल के करीब। अब यहाँ से चीज हमारा सैयद वंश हो जाता है समाप्त, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, छोटा सा ही टॉपिक है, पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिछले साल के आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस है, आर ओ है, यूपीपीसीएस प्री है, जो भी मतलब आपकी तैयारी कर रहे हो, उसके ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना सैयद वंश के, फिर मैच करना इसको याद करने के बाद कि आप कितने परसेंट क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप खुद समझ जाओगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, इतने फैक्ट, ठीक है।
उसके अलावा फिर भी मैंने कहा कि 95% 100% कुछ नहीं होता है। अगर एक दो फैक्ट अगर आपको नया मिलता है क्वेश्चन में, उसको अपना नोट्स में वो ऐड कर लो। सारी चीज़ें तो देखो मैं भी नहीं करा सकता हूँ, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है। कुछ आपको नया फैक्ट मिलता है उसको ऐड कर लो, ठीक है। यही तो होता है एक कंटिन्यूअस अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रक्रिया, यही होती है एक प्रोसेस कि कंटिन्यू अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा सैयद वंश खत्म। देखो दिल्ली सल्तनत में, मैं लिख रहा हूँ DS, दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया है, हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। गुलाम वंश के बाद आया था हमारा दूसरा खिलजी वंश, तो हमारा खिलजी वंश कंप्लीट हो गया। खिलजी वंश के बाद तीसरा आया था हमारा तुगलक वंश, वो कंप्लीट हो गया। आज हमारा कंप्लीट हो गया सैयद वंश, सैयद वंश। इसके बाद एकमात्र अंतिम रह जाता है हमारा लोदी वंश, लोदी। बस ये रह रहा है हमारा, मुझे ये कराना है। ये लोदी है जो बहलोल लोदी, भाई इसके हाथ में सत्ता आ गई, यही बहलोल लोदी अब अंतिम पांचवें दिल्ली सल्तनत के अंतिम पांचवें राजवंश लोदी वंश का स्थापना करेगा। किसकी स्थापना करेगा ये? अब ये लोदी वंश की स्थापना करेगा जो चलेगा 1451 से 1526 आई थिंक, हाँ 1526 तक। फिर बाबर का आक्रमण होगा तो खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, 1526 तक ही, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लोदी वंश को। लोदी वंश में भी दो तीन ही है मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट, एक तो यही है बहलोल लोदी है, उसके बाद सिकंदर लोदी है, उसके बाद इब्राहिम लोदी, हाँ तीन ही है उसमें शासक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी के बारे में तो थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ा सा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट सिकंदर लोदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद तो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी में का बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध, वो सारी चीज़ें करके हम लोदी वंश में समाप्त कर देंगे। मेरा 90% मेरी ट्राई रहेगी कि एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी वो 35-40 मिनट की भी कोई दिक्कत नहीं, पहले भी 50-50 मिनट की वीडियो हमने देखी है, तो हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में वो क्या बोलते हैं लोदी वंश को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक चलेंगे, छोटी सी वीडियो है सैयद वंश की। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हमेशा की तरह शेयर करना, ठीक है। आप अपना प्यार बढ़ाना मेरी तरफ को, ठीक है। तो अगर आपका मुझे लेके कोई फीडबैक है या कोई भी इम्प्रूवमेंट या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मैं उसमें पक्का आपकी बात सुनूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लोदी वंश को पढ़ने में स्टार्ट करेंगे हम। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।